हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम राजगिरा यानी कि चौलाई की खीर बनाएंगे। सो ये खीर खाने में तो बहुत अच्छी लगती ही है, साथ ही ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। प्लस इस खीर की सबसे खास बात ये है कि आप इसे किसी भी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए इस सुपर डिलीशियस खीर को बनाना शुरू करते हैं। राजगिरा यानी कि चौलाई की खीर बनाने के लिए मैंने ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है, साथ ही मैंने ये 1.5 कप चौलाई ली है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने ये भुनी हुई चौलाई ली है, ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगी। ये मैंने 1/4 कप के करीब चीनी ली है। ये मैंने 3-4 बादाम को इस तरह बारीक काट लिया है, 3-4 काजू को इस तरह बारीक काट लिया है, और साथ ही मैंने 3-4 पिस्तों को भी इस तरह बारीक काट के ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 1/2 लीटर दूध डालेंगे। तो यह ध्यान रखें कि खीर बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें, क्योंकि इससे खीर काफ़ी गाढ़ी बनती है। पैन में दूध डालने के बाद हम गैस की फ्लेम एकदम मीडियम हाई कर देंगे और इसे इस तरह लगातार चलाते हुए 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे, या फिर हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ आप देखिए, मैंने दूध को 5 मिनट अच्छे से पका लिया है और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें ये 1.5 कप भुनी हुई चौलाई डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। तो ये चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें कटे हुए बादाम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ते ऐड कर देंगे। तो यह खीर बनाने के लिए मैंने काजू, बादाम और पिस्ते का यूज़ करा है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के किसी और ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने खीर को टोटल 10 मिनट अच्छे से पका लिया है। हमारी खीर भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बोल में अलग निकाल लेंगे। तो यह मैंने खीर को सर्विंग बोल में अलग निकाल लिया है और आप देख सकते हैं खीर का टेक्सचर कितनी परफेक्ट बनी है। तो बस अब हम इसके ऊपर ये कटे हुए पिस्ते डालकर इसकी गार्निशिंग कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये हमारी सुपर डिलीशियस चौलाई की खीर बनकर एकदम तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।